फ्रेंड्स, ये गेट 2004 का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसमें कंसंट्रेशन रखिएगा और ये मेरे ख्याल से टफेस्ट क्वेश्चन रहा है एयर कंडीशनिंग में, या अपन बोले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का, ये टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक का रहा है गेट में जो आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ही आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें निकालना क्या है, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो निकालना क्या है? वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट। अब ये वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट क्या अभी है? तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट वो रेट है जैसे कि मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट क्या है? मास फ्लो रेट आपको जो भी आपकी एयर कंडीशन की जो कैपेसिटी है, अब एयर कंडीशन की कैपेसिटी क्या है इसमें दी है कि हाँ 2 टन दी हुई है, तो ये 2 टन एयर कंडीशन की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, 2 टन रेफ्रिजरेशन को मेंटेन करने के लिए आपको कितना मास फ्लो रेट केजी पर सेकेंड में उसमें फ्लो करना पड़ेगा ताकि वो 2 टन का रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर पाए। वो रेफ्रिजरेंट का कितना मास फ्लो रेट केजी पर सेकेंड में सर्कुलेट करना पड़ेगा कि वो 2 टन का रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर पाए, ये मास फ्लो रेट हो गया। अब इस मास फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए पर सेकेंड कितना वॉल्यूम कवर करना पड़ेगा पिस्टन को, सिलेंडर का, ठीक है ना, वो हो जाता है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट। इसमें एक चीज़ और दी गई है, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस, ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा टफ पार्ट ये है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा स्टेप्स का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, ये पीएच चार्ट है याद रखना, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका ये वाला इफेक्ट है H1 और H4 के बीच का, जो ये वाला जो एवोपरेटर के बीच की जो प्रोसेस है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से आप पहले मास फ्लो रेट निकालेंगे और उस मास फ्लो रेट से आप जो है फिर स्वेप्ट वॉल्यूम रेट निकालोगे, ठीक है ना, या वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट निकालोगे। देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आपने मास फ्लो रेट निकाल लिया कि आपका एम मास फ्लो रेट 2 टन रेफ्रिजरेशन को मेंटेन करने के लिए फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, कंप्रेशर है, ये TDC पोजीशन है, ये BDC पोजीशन है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच का जो वॉल्यूम है वो स्वेप्ट वॉल्यूम है, इसी को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि TDC से BDC की तरफ जो है पिस्टन डिस्प्लेस होता है। तो आप पर सेकेंड में इस पिस्टन को कितनी बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा, मतलब पर सेकेंड में सिलेंडर का इस पिस्टन को सिलेंडर का कितना वॉल्यूम कवर करना पड़ेगा उस एम मास के रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि वो 2 टन आपसे रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेशन की उसमें, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है। अब शायद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन करते करते भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले अपन को मास फ्लो रेट निकालना है। तो ये 2 टन आपको दिया हुआ है, तो ये 2 टन जो क्यू की वैल्यू दी है 2 टन, इसको आप लोग सबसे पहले किलो जूल पर सेकंड में बदलेंगे। तो 2 टन को किलो जूल पर सेकंड में इनटू मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ता है 3.516 का, 3.516। तो ये 3.516 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये किलो जूल पर सेकंड में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद इक्वल टू रखना पड़ेगा आपको इस वैल्यू को एम H1 माइनस H4 के। अब ये H1 माइनस H4 के आपने इक्वल टू रखा और ये H1 की वैल्यू कितनी दी है 176, H4 की वैल्यू कितनी दी है 65, और इनटू M करोगे और इसको इक्वल रख दोगे इसके, ठीक है ना, ये इस पूरे को इक्वल रख दोगे
ये 2 × 3.516, तो आपकी m की वैल्यू निकल आएगी। तो ये m की वैल्यू जो आ रही है ये कितनी आ रही है, 0.0633 केजी पर सेकेंड। m की वैल्यू आ रही है 0.0633 केजी पर सेकेंड। ये मास फ्लो रेट आ गया। अब मास फ्लो रेट तो आपका ये आ गया, अब आप इससे कैसे जो है वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है ना। इस मास फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए कितना वॉल्यूम कवर करना पड़ा सिलेंडर का, पिस्टन को, शाफ्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम तो दिया है भैया 0.1089 मीटर क्यूब पर केजी। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब ये वो वॉल्यूम है जो एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट का आना चाहिए सिलेंडर के अंदर, लेकिन एक्चुअल तो आता नहीं है क्योंकि एक वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी नाम का टर्म आ जाता है। तो वो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकाल कर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एक्चुअल वॉल्यूम आएगा। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम सक्ड अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जब अपन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालेंगे तब उसको इस स्पेसिफिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब एक्चुअल वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो हम जो है अभी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी लगाने का निकालने का फॉर्मूला अपन लगाएंगे 1 - VC/VS P2 by P1 की पावर 1/N -1। ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा, ये आपको मालूम होगा। अगर अच्छे से नहीं भी दिख रहा तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम जो रेशियो दिया है ये डायरेक्ट दिया है 0.03, मतलब इसकी जगह क्या आएगा 0.003, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इसकी जगह ये वैल्यू रख दोगे 0.03, ठीक है ना। P2 by P1 मतलब P2 की वैल्यू क्या दी है 7.45 और P1 की वैल्यू क्या दी है 1.50 की पावर 1/N। N की वैल्यू कितनी दी है इसमें, देखिए 1.15 दी है N की वैल्यू 1.15 क्वेश्चन में दी हुई है। ये देखिए आप, ये N की वैल्यू दी हुई है 1.15। इस पे ये इसको स्पेसिफिक हीट रेशो जो है ये N की वैल्यू 1.15 दिया हुआ है। सारी वैल्यूज रखने पर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.909, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको जब आप स्पेसिफिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्चुअल वॉल्यूम सक्ड आ जाएगा, ठीक है ना। 0.909 को जब आप स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब 0.1089 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल वॉल्यूम सक्ड आ जाएगा। अब इसको जब आप m से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्चुअल वॉल्यूम सक्ड आया है ना, इसको जब आप m से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपने ये m निकाला है, जब आप इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो m से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वो स्वेप्ट वॉल्यूम देगा जो इस m को सर्कुलेट कराने के लिए आपको पिस्टन को कवर अप कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपने वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकाली क्योंकि आपको एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करना था कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो रहा है, और एक्चुअल वॉल्यूम मतलब रेफ्रिजरेंट का एक्चुअल वॉल्यूम कितना सक्ड हो रहा है, और आपको इतने मास फ्लो रेट कराने के लिए कितनी बार सिलेंडर का ये वॉल्यूम कवर अप होना पड़ेगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इसको कैलकुलेटर से, तो ये आंसर आ जाएगा 6.26 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपका 6.26 × 10⁻³
मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका जो आपका क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो ये ए ऑप्शन आपका सबसे नियरेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।